इस क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन कैमरास से नजर रखी जा रही है, खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार के अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, भ्रामक सूचनाएं फैलाता है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो बहुत कठोर और दंडात्मक कार्रवाई उस व्यक्ति पर की जाएगी। आवश्यक मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स है वो तैनात हैं, लेकिन चौकन्नी रहेंगे नहीं, तो पुलिस और प्रशासन की तरीके से सतर्क है। छह दिसंबर को मथुरा की शाही ईदगाह पर हिंदू महासभा के जल अभिषेक के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। 5 और 6 दिसंबर को पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। 4 जोन में बांट करके 2100 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। इलाके के वरिष्ठ अधिकारी एसपी, एसएसपी और डीएम मौके पर मौजूद हैं और सारा अपने देखरेख में ऑपरेशन चला रहे हैं। जिस तरह से हिंदुवादी संगठनों ने न सिर्फ जल अभिषेक की कॉल की थी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि मूर्ति विस्थापित की जाएगी, कृष्णा की मूर्ति मस्जिद के अंदर विस्थापित करने की बात कही गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए पूरे इलाके में धारा 144 नाफिज कर दी थी और जुम्मे के दिन भी मुसलमानों को चेकिंग के बाद ही मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। जुम्मे की नमाज में जो भी मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करना चाहते थे, उनके लिए बाकायदा बैरिकेटिंग करके एक एक व्यक्ति का आधार कार्ड चेक किया गया और उसके बाद ही मस्जिद में आने की इजाज़त दी गई। इस पूरे कदम को इलाके के लोग बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सतर्क है, इसलिए कोई भी अनहोनी नहीं होगी, कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। जिस तरह से पुलिस ने जुम्मे के दिन आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था, बिना आधार कार्ड के किसी की भी एंट्री परिसर में नहीं थी, उससे असामाजिक तत्वों की एंट्री पूरी तरह से बैन हो गई। आज और कल धारा 144 लगाई गई है। न सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमानों को भी बहुत कम संख्या में मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाने की इजाज़त दी जा रही है। मथुरा की शाही ईदगाह की जो मस्जिद है वो पूरी तरह से बैरिकेड कर चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। सुरक्षा बल सतर्क है। आज हमारे द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा सिमिलरली हमारे जो 4 सुपर जोन बने हैं, 4 जोन बने हैं, 8 सेक्टर जो बने हैं, उन सभी का भ्रमण किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि सभी जगह पर जो आवश्यक मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स है वो तैनात है, लेकिन चौकन्नी रहेंगे नहीं, तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। कल के लिए जो सारी तैयारियाँ हैं वो हो गई है और जनपद में धारा 144 लगी हुई है, किसी भी हाल प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। पब्लिकली लोगों से क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे 6 दिसंबर को लेकर? समस्त जनपदवासियों से अपील है कि जिस तरीके से मथुरा और वृंदावन देवी हमेशा से शांति का एक प्रतीक बनकर रहा और आपसी भाईचारे का एक मैसेज देती है, उसी प्रकार से आगे भी देती रहे और हमें विश्वास है कि वो कैमरा सभी के ऊपर जरूर विश्वास करेगी, आज तक आगे भी करती रहेगी। जनपद में हर प्रकार से शांति व्यवस्था कायम है और लोगों का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। आगरा रेंज और आगरा जोन से हमें भारी मात्रा में पुलिस बल प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ पीएससी की कंपनीज, आरएएफ की कंपनीज हम लोगों को प्राप्त हुई है। इस पूरे परिसर में पहले से ही निरंतर 24 घंटे के लिए लगातार फोर्स हमारा तैनात रहता है, जिसको और सुदृढ़ किया गया है। इस क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमराज और ड्रोन कैमराज से नजर रखी जा रही है, खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार के अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, भ्रामक सूचनाएं फैलाता है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो बहुत कठोर और दंडात्मक कार्रवाई उस व्यक्ति पर की जाएगी।
जैसे कि पिछले दिनों में यहाँ की स्थानीय जनता द्वारा लगातार हमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिल रहा है, लगातार पुलिस और प्रशासन का उनके साथ समन्वय बना हुआ है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से शांति बनी रहेगी और सौहार्द का ये वातावरण बना रहेगा। सर, कल 6 दिसंबर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट भी बंद रहेगा, किस तरीके से प्लान है कल पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था आज ही लागू कर दी गई है, कल के दिन इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन भी किए जाएंगे जिस बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस कॉल के बाद एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो बीजेपी जो अभी तक विकास की बात कर रही थी, जो अभी तक ये कह रही थी कि हमने रोज़गार नौजवानों को दिया है, प्रदेश तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से जिस तरह से मथुरा को लेकर राजनीति गर्म हुई है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से ट्वीट कर मथुरा की बारी का कहा और ये कहा कि राम जन्मभूमि तो कंप्लीट हो गया, अब बारी मथुरा और काशी की है, तो उस पर भी सवाल खड़े हुए। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने ये कहा था कि जो भी अफवाह फैलाएगा, जो भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेगा, न सिर्फ उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएगी बल्कि उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के ऐलान के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य पुलिस के इस बाइट के अगले ही दिन इस तरह का ट्वीट करते हैं, और न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ये ट्वीट करते हैं बल्कि उसके साथ ही हज़ारों बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री, नेता सब उसको रिट्वीट करते हैं और बार बार इसको कहा जाता है। तो सवाल ये खड़ा हो गया है कि आप विकास की बात कर रहे थे लेकिन इलेक्शन आते आते दोबारा से आप धार्मिक राजनीति पर उतर आए हैं, मंदिर और मस्जिद की राजनीति पर उतर आए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम ख़त्म हो गया है, खुद अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने सहारनपुर में ये कहा कि क्राइम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो रोज़ाना घटनाएं सामने आ रही हैं, रेप की वारदात, मर्डर, उसके अलावा आत्महत्याएं की बहुत सारी घटनाएं सरकार के नाकाम होने की वजह से, कोविड में लोगों की परेशानी की वजह से, कोविड में जिस तरह का व्यवहार सरकार का रहा उसको डील नहीं किया गया, वो भी एक बड़ा विषय है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के साथ साथ किसान आंदोलन भी सरकार की गले की फांस बन गया है। बिल तो वापस ले लिए गए हैं लेकिन उसके बावजूद किसान ने कह दिया है कि वो अपनी 2-3 और मांगे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होती, MSP की गारंटी, पराली का मामला, और किसान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको मुआवजा, ये कई ऐसी मांगे हैं कि जब तक ये पूरी नहीं होती, इस पर बातचीत शुरू नहीं होती, तब तक वो आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। इस पूरे घटना पर हमारी निगाह बनी हुई है, मस्जिद के आसपास संवाददाता इकरार अली मौजूद हैं जो चप्पे चप्पे से मौके मौके की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही कुछ अपडेट होगा फिर हम हाजिर होंगे अपडेट के साथ। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अभी वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।